आज किस समय से लगेगा चंद्र ग्रहण, राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चंद्र ग्रहण के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर भी जल्दी कर दिए जाएंगे बंद। दशाश्वमेध की गंगा आरती के समय को भी बदला गया है। साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। चंद्र ग्रहण को विज्ञान में खगोलीय घटना माना जाता है, हालांकि इसका धार्मिक तौर पर भी काफी महत्व है। ये ग्रहण 28-29 अक्टूबर की मध्य रात्रि से शुरू होगा। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने चंद्र ग्रहण के समय को लेकर जानकारी दी है। आचार्य सतेंद्र दास ने कहा कि शाम 4:04 से सूतक शुरू हो जाएगा, सभी मंदिर बंद हो जाएंगे और धार्मिक गतिविधियां रोक दी जाएंगी। चंद्र ग्रहण आज रात 1:04 पर शुरू होगा और रात 1:44 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण के कारण जहां मंदिरों के कपाट कुछ समय के लिए बंद किए जाएंगे, तो वहीं बनारस में गंगा आरती का समय भी बदला गया है। गंगा आरती का समय बदला, मंदिर भी रहेंगे बंद। दशाश्वमेध की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती लगभग शाम 7 के आसपास होती है, लेकिन ग्रहण के कारण गंगा आरती के समय में परिवर्तन किया गया है। अब 28 अक्टूबर को गंगा आरती दोपहर 2:30 से शुरू होकर 3:30 तक की जाएगी। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह निर्धारित समय के लिए बंद रहेगा। ग्रहण लगने से कई घंटे पहले ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और ग्रहण के बाद मंगला आरती करके भक्तों के लिए कपाट खोले जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर शाम को कर दिए जाएंगे बंद। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर सहित श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तहत आने वाले सभी मंदिर शनिवार को 4:15 चंद्र ग्रहण के कारण बंद कर दिए जाएंगे, जो अगली सुबह खुलेंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यहां बताया कि ग्रहण का समय रात्रि 1:04 से है, जिससे 9 पहले सूतक काल प्रारंभ होने के चलते दोनों मंदिरों सहित अन्य मंदिरों को 4:15 बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद दोनों मंदिर रविवार यानी 29 अक्टूबर को सुबह शुद्धिकरण पूजा के बाद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाएंगे और उसके बाद महाभिषेक, रुद्राभिषेक सहित सभी प्रातःकालीन पूजाएं अपनी नियत समय पर होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।